नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जिला उमरिया में नवविवाहिता की हुई मौत। उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम क्योलरी में 22 वर्षीय नवविवाहिता फूलाबाई बाई का पारिवारिक कलह के कारण खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वही आदिवासी फूलाबाई महिला को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एवं मृतका के पति अनिल बैगा ने बताया कि पत्नी खाना बना रही थी, उसी दौरान आग लग जाने से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही ड्यूटी डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने बताया कि फूलाबाई महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया एवं घायल महिला 90% से ज़्यादा जल चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर टीम के द्वारा मृतका की पीएम कार्यवाही की गई एवं पीएम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मेरे पत्नी फूलबाई खाना बनाने के लिए मट्टी तेल डाल रही थी, तो अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया कितना मट्टी तेल डाला, इसलिए माचिस खेली की आगे पकड़ ली, ले गए तो अस्पताल में खत्म हो गए। आज एक फूलबाई बैगा नाम की महिला, जिनके पति का नाम अनिल बैगा है और जिनकी उम्र 22 साल की है, जिनका की जलने के उपरांत जिला चिकित्सालय उमरिया में भर्ती कर उपचार किया जा रहा था तथा उनको 80-90% तक का बर्न पाया गया था, उनकी आज मौत हो गई। और उपचार के दौरान जिनका की पीएम आज डॉक्टर टीम के द्वारा जिला चिकित्सालय उमरिया में किया गया। अस्पताल गया था, अस्पताल में तहसीलदार साहब की उपस्थिति में तहसीलदार साहब पंचनामा कार्रवाई किए थे। उसका नाम है फूलबाई बैगा, पति अनिल बैगा, उम्र 22 साल की है। उसका क्या है, वो पहले जल के अस्पताल में भर्ती हुई थी, उसका तहसीलदार साहब भी महत्वपूर्ण कथन भी ले चुके हैं, उपचार के दौरान खत्म हुई है। कल पंचनामा के बाद पीएम कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सौंप दी गई है, अभी जांच जारी है।